आपको मालूम है 17 पेपर लीक हुए हैं, 17 पेपर, 17, 19। देखिए आप मेरा ज्ञान वर्धन कर रहे हैं, आते आते दो और बढ़ गए, 19 पेपर लीक। और वन रक्षक की भर्ती में घोटाला, पटवारी में घोटाला, पुलिस के कॉन्स्टेबल में घोटाला, अपने रिश्तेदारों को रखने का काम पकड़ा कि नहीं पकड़ा। अब आप बोलना कि अपने रिश्तेदारों के साथ ही तुम रहो, अब छोड़ दो हमें, हमें माफ करो, राजस्थान हम संभाल लेंगे, ये बात को हमको लेकर के चलो। अपने लोगों को अपॉइंटमेंट देने का काम किया उसी तरीके से। देखिए योजना भवन, योजना भवन जो सरकार का सेक्रेटेरिएट है, सेक्रेटेरिएट ये ना कौन सा योजना भवन, तहखाने में, वहां क्या मिला, वहां क्या मिला, सोना। ये बताओ भ्रष्टाचार की कहानी बता रहा है कि नहीं बता रहा है? 2 करोड़ से ज्यादा, 2,31,00,000 रुपए मिले कि नहीं मिले? ये क्या है, सरकार के सीट के नीचे इस, आ रहा हूं, मुझे हिसाब करना है भैया 5 साल का। अभी अभी लाल डायरी देखो और जानते हैं गहलोत क्या बोलता है? गहलोत ने बोला ये बीजेपी की साजिश है। मैंने कहा वाह रे वाह, वाह रे वाह, पहले बीएसपी से कांग्रेस में तुम लाओ, मंत्री तुम बनाओ, तुम्हारा मंत्री हमारी विधानसभा में तुम्हारे मंत्री की हैसियत से खड़ा होकर के लाल डायरी दिखा के बोलता है ये भ्रष्टाचार की डायरी है, ये भ्रष्टाचार की डायरी। ऐसे लोगों को छोड़ना है क्या? ऐसे लोगों को घर भेजना है कि नहीं भेजना है? अच्छा एक बात बताओ आप कि आदरणीय मोदी जी के राज में देश आगे बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बढ़ा कि नहीं बढ़ा, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ कि नहीं हुआ, युवाओं का सशक्तिकरण हुआ कि नहीं हुआ, किसानों को ताकत मिली कि नहीं, गरीबों का उत्थान हुआ कि नहीं हुआ? मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जब दुनिया की सारी अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही हैं, तो मोदी जी के नेतृत्व में भारत 11वें नंबर से छलांग लगा करके ब्रिटानिया को, जिसने 200 साल हमारे ऊपर राज किया, उसको पछाड़ करके आज मोदी जी के राज में भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गई। और अभी आप अर्जुन जी को जिताओगे, बहन का कस्मा जी को जिताओगे, और 2024 में फिर से मोदी जी को लाओगे, और भारत 2027 में 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। ये भी आप इसीलिए मैं ये भी आपको बताना चाहूंगा कि आज भारत ने विकास के दृष्टि से इस्पात में हम 2रे नंबर पर खड़े हैं, ऑटोमोबाइल में हम 3रे नंबर पर खड़े हैं, और आज जो आपके पास मोबाइल फोन है ना, जितने भी मोबाइल फोन निकाल के देखना, पीछे लिखा होगा मेड इन इंडिया, यही 9 साल पहले लिखा होता था मेड इन चाइना, ये फर्क आ गया है। और इसीलिए आप बताइए, गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, हमारा आदिवासी भाई, हमारे अनुसूचित जाति भाई, इन लोगों को मुख्य धारा में लाने का काम मोदी जी ने किया कि नहीं किया? प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में 80 करोड़ जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया? मालूम है इसका फर्क क्या पड़ा है? इसका फर्क ये पड़ा है कि 13.5 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए हैं, ये भी हमको ध्यान में रखना है। अति गरीबी कम हो गई, 1% से भी नीचे आ गई अति गरीबी। अब आप बताइए, प्रधानमंत्री जी ने 4 करोड़ आवास देने का तय किया कि नहीं तय किया? 20 लाख आवास यहां बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? आप बताइए, गहलोत ने 9 लाख घरों को रोक दिया कि नहीं रोक दिया? रोका कि नहीं रोका? अब 25 तारीख को तुम इसको रोक देना,
फिर से आपके 20 लाख मकान बन करके हटेंगे, ये भी आप काम। आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है? 25 तारीख को दोनों को भेज दीजिएगा, ये 10 लाख हो जाएगा, ये भी आप। जल जीवन मिशन में जहां एक तरफ हम 36 लाख घरों को हम पानी देने का प्रयास कर रहे हैं, आपके जिले से ही, जोधपुर से ही और यहां पाली के पास से जो हमारे सांसद हैं, जो मंत्री हैं, जल जीवन मिशन में उन्होंने काम किया, लेकिन यहां पर अशोक गहलोत ने जल जीवन मिशन में भी जेब भरो कमीशन का काम ले लिया, भ्रष्टाचार। मित्रों, अगर मैं विकास के दृष्टि से आपके सामने कहानी कहूं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, हमारे पास सरकार नहीं थी लेकिन मोदी जी ने फिर भी इंफ्रास्ट्रक्चर में, भारतमाला प्रोजेक्ट में 44,000 करोड़ रुपए खर्च करके 2,400 किलोमीटर की सड़क बनाने का काम किया, और उसके साथ साथ 11,000 किलोमीटर की ग्रामीण सड़क बनाई, 11,000 किलोमीटर, और उसके साथ साथ रेलवे का बजट 14 गुना बढ़ा दिया, और उसी तरीके से इलेक्ट्रिक रेलवे राजस्थान में 75% इलेक्ट्रिक रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, और वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से अजमेर, उदयपुर से जयपुर, जोधपुर से साबरमती, इसको भी चलाने का काम यहां पर किया। जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, इनको स्मार्ट सिटी में ले लिया गया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 23 मेडिकल कॉलेज बनाए गए हैं, जो पिछले समय में बने ये 23 मेडिकल कॉलेज बनाए गए, और जैसा कि हम कहना चाहेंगे, अभी पीपी चौधरी जी ने बताया कि 25 तारीख के बाद जब हमारी सरकार 3 तारीख के बाद बनेगी तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जहां 6,000 रुपए साल का मिलता है वहां 12,000 रुपए। गेहूं की खरीदी एमएसपी के बाद 4,700 रुपए, 2,700 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से हम खरीदेंगे, और जिन लोगों की जमीनें कुर्क हुई हैं उनके लिए हमारी सरकार कंपनसेशन पॉलिसी बनाएगी और किसानों को न्याय दिलाएगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। लाडो प्रोत्साहन योजना में हम 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड, हर जो लड़की लक्ष्मी पैदा होगी उसको 2 लाख रुपए का सेविंग बॉन्ड देंगे, जब 6ठी क्लास में पहुंचेगी तो साल का 6,000, जब 8वीं में पहुंचेगी तो साल का 8,000, जब 10 में पहुंचेगी तो 8 साल का 12,000, और जब वो उच्च शिक्षा में जाएगी तो साल का 50,000, और 21 साल की उम्र होने पर 1 लाख रुपए उसके नाम पर दिया जाएगा, इस तरीके से जो पढ़ने लिखने वाली लड़की होगी उनको 12वीं कक्षा में मुफ्त में स्कूटी दी जाएगी ताकि वो पढ़ सके, और जो गरीब किसी भी जाति के बच्चे होंगे उनको साल का पढ़ाई के लिए स्कूल में 1200 रुपए साल का दिया जाएगा ताकि वो विकास करें। और सबसे बड़ी बात सुन लो, हम एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाएंगे, और जो घपला माइनिंग में हुआ है, प्रधानमंत्री आवास योजना में हुआ है, जल जीवन मिशन में हुआ है, फर्टिलाइजर में हुआ है, भर्ती में हुआ है, रीट में हुआ है, सबको हम इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो दोषी पाया जाएगा उसको जेल के पीछे डालेंगे, ये भी आपको याद। एम्स के तर्ज पर हम हर डिवीजन में एक रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाएंगे, और आईआईटी के तर्ज पर हर डिवीजन में हम एक रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बनाएंगे, उसके लिए भी हम काम करेंगे। हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम अगले 5 साल में 40,000 करोड़ रुपए खर्च करेंगे, और 15,000 डॉक्टर नए लगाएंगे, 20,000 पैरामेडिक्स लगाएंगे, इस तरीके से हम काम करेंगे। जहां तक बिदाड़ा का सवाल है तो बिदाड़ा जोधपुर खंड में 110 किलोमीटर के लंबे और चौड़ीकरण की लेन मजबूत करने का काम हुआ है, वहीं जोधपुर के रिंग रोड का भी काम चल रहा है, जोधपुर पाली इंडस्ट्रियल एरिया का विकास का काम चल रहा है, ये सारे काम चल रहे हैं। आगे आपको मैं विश्वास दिलाता हूं कि तीव्र गति से ये सारे काम
धरती पर और तीव्र गति से चलेंगे। मुझे अर्जुन जी चाहिए और बहन जी चाहिए जो चुनाव जीतकर आपके आशीर्वाद से जयपुर पहुंचे और विधानसभा में सुशोभित करें और इस क्षेत्र को आगे बढ़ाएं, ये मैं आपसे निवेदन करूं। आप बताइए 25 तारीख को ग्रहण हटाओगे ना 3 तारीख को पूर्णमासी आएगी ना, सरकार बनेगी ना, और सरकार में दोनों को पहुंचाओगे ना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, दोनों ने लंबे समय आपके इलाके की सेवा की है, इनको आगे बढ़ा